हेलो। मैं आकाश कुमार टेक डेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का 8वां वीडियो है, जो कि हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले के सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर रिक्वायर्स अ रिजर्वायर फॉर कंप्रेस्ड एयर ओनली, वाई? कौन से तरह का कंप्रेसर रिक्वायर होता है, रिजर्वायर किसको जरूरत होता है कंप्रेस्ड एयर के लिए और क्यों? तो ये जरूरत होता है बोथ रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को। क्यों? टू अवॉइड पल्सेटिंग इफेक्ट, पल्सेटिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट यूज्ड इन एयर जनरेशन सिस्टम? इनमें से कौन सा कंपोनेंट एयर जनरेशन सिस्टम में यूज होता है? तो वो यूज होता है ड्रायर का। डैश कैन नॉट बी द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, कौन सा इनमें से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट नहीं हो सकता? तो वो हो सकता है पोटेंशियोमीटर, ये यूज़ नहीं हो सकता एज ए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। कैम लॉब हाइड्रोलिक मोटर इज़ अ टाइप ऑफ कैम लॉब हाइड्रोलिक मोटर, किस तरह का मोटर है? तो ये रेडियल हाइड्रोलिक मोटर है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंगल बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड ए शाफ्ट एक्सिस? शाफ्ट एक्सिस और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? तो ये 30 डिग्री हो सकता है। हाउ मेनी स्ट्रोक डज अ सिंगल पिस्टन पम्प नीड टू डिस्चार्ज ऑयल? कितना स्ट्रोक चाहिए सिंगल पिस्टन पम्प को ऑयल को डिस्चार्ज करने के लिए? तो वो चाहिए 2 स्ट्रोक। ठीक है, फिर है, विच फैक्टर डिसाइड्स द वर्किंग प्रेशर ऑफ अ हाइड्रोलिक सिलेंडर? कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है वर्किंग प्रेशर को, किसका वर्किंग प्रेशर को? हाइड्रोलिक सिलेंडर का। तो वो हो जाता है बोर डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर। अ टेलीस्कोपिक सिलेंडर हैव, तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर में क्या होता है? तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर में होता है अ मल्टी स्टेज यूनिट। कभी मायूस मत होना दोस्त, जिंदगी कभी भी अचानक नया मोड़ ले सकती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ गियर पंप? क्या रिलेशन है बिटवीन द प्रेशर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए गियर पंप का? तो ये हो जाता है, एज प्रेशर इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीज, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ओवरऑल एफिशिएंसी घट जाएगा। अ हाइड्रोलिक रैम इन अ पंप विच वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक रैम जो होगा किसी पंप में, मतलब पंप में, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वो काम करता है इनर्शिया फोर्स ऑफ वाटर इन अ सप्लाई लाइन, इनर्शिया फोर्सेस ऑफ वाटर इन अ सप्लाई लाइन के प्रिंसिपल पे काम करता है। द स्लीप इन केस ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, तो स्लीप कैसा होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में? ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जब डिस्चार्ज अगर मैक्सिमम हो तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जब अगर मिनिमम हो या कम हो तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर है, कैविटेशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी रिड्यूस बाय, कैविटेशन जो होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में उसे कैसे खत्म कर सकते, मतलब कम कैसे कर सकते, खत्म तो नहीं, कम कैसे कर सकते हैं? तो रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, सक्शन हेड को अगर कम कर दे तो कैविटेशन जो है वो कम हो जाएगा, किससे? सेंट्रिफ्यूगल पंप से। फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? तो ये हो जाता है 50 m³/s। अ ब्लेड इन अ गैस टर्बाइन आर जनरली मेड ऑफ, ब्लेड जो होगा गैस टर्बाइन का वो किससे बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होता है निकल कोबाल्ट अलॉय से। फिर है, द पार्ट ट्रेस बाय अ सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक इशूइंग फ्रॉम अ सिगरेट इज, जो पाथ, जो सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो धुआं कैसा पाथ फ्लो करता है? तो वो फ्लो करता है पाथ लाइन को। फिर है, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द वल्व द फ्लो इज, ओपनिंग के समय में वल्व वल्व को अगर ओपन करते हैं तो फ्लो कैसा होता है उस समय में? अनस्टडी होता है फ्लो। फिर द कंटिन्यूटी इक्वेशन रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ, इक्वेशन फॉलो करता है तो वो कंटिन्यूटी ऑफ, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेंड विल कॉज मैक्सिमम हेड लॉस, इनमें से कौन सा बेंड जो है मैक्सिमम हेड लॉस करेगा, मतलब लाएगा? तो वो होता है 90 डिग्री बेंड। द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ प्रेशर जो होगा, स्पीड किसका, प्रेशर का, वो वेव किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, जैसा डेंसिटी होगा फ्लूइड का वैसा ही स्पीड ऑफ प्रेशर भी होगा। ठीक है ना, किसी भी वेव का। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर, थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? तो वो इंट्रोड्यूस किया लुडविक प्रांटल। ठीक है,
फिर उसके बाद है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन एन ओपन चैनल इम्प्लाइज ग्रेजुअली वेरिड लो फ्लो जो है ओपन चैनल में, वो क्या इम्प्लाई करता है कि आपका जाकर फ्लो जो है वो आपका कैसा है, स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिर है उसके बाद व्हेन फ्रॉड्स नंबर इज इक्वल टू यूनिटी द फ्लो इन एन ओपन चैनल इज कॉल्ड, जब फ्रॉड नंबर जो है वो यूनिटी होगा तो फ्लो जो ओपन चैनल में होगा वो कैसा होगा, तो वो हो जाता है आपका जाकर क्रिटिकल फ्लो। द फ्लो इन द वॉल्यूट केसिंग साइड अ रोटेटिंग इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रिफ्यूगल पंप इज, जो वॉल्यूट केसिंग के आउटसाइड मतलब जो रोटेटिंग इम्पेलर के साथ जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, तो वो हो जाएगा आपका जाकर फ्री वर्टेक्स फ्लो। वाई इज मल्टी स्टेज यूज इन अ सेंट्रिफ्यूगल पंप, मल्टी स्टेज का यूज़ हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप में क्यों करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग फॉर हाई हेड के लिए। हाई हीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मल्टी स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। द वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एन एयर वेसल टू अ सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, कितना वर्क सेव होता है फिटिंग करने पे एयर वेसल को लगाने पे इस सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो वो हो जाता है आपका जाकर 84.4%। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलें।